के मुंह में कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई कोई ना है तेरे आस पास क्या पढ़ रही हूँ? मैथ्स। मैथ्स मुश्किल लगता है? बहुत। क्या आसान लगता है? ये शब्दों आसान है। किताबें तो देखें कितनी मोटी मोटी हैं। जी नबीहा को हम छोड़ के आए हैं, आज नबीहा की फेयरवेल है माशाल्लाह। ऑलमोस्ट एक साल हो गया उसे कॉलेज में एंड टाइम फ्लाइज। वो कारी है, उसमें बहुत अच्छा गाती है, गिटार भी देख बैठे बैठे उसे मैंने क्लासेस लगाई थी उसके लिए, लेकिन उसे नहीं अच्छा लगा तो हमज़ा से ही उसने एक दो बार ऐसे पूछ के सीख के कौन से कॉर्ड्स हैं क्या है केपू शेपू जो भी उसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो बहुत अच्छा गिटार बजाना सीख लिया उसने प्रैक्टिस से। वहाँ पर वो गा रही है अपने इवेंट में। उसके बाद से बस पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि पेपर्स करीब हैं, डेट शीट भी आ गई है। इन द मीन वाइल घर आके मैं याया को लेके गई थी उनके टेस्ट कराने हैं, क्योंकि उनकी जो PSMA की पेट स्कैन की रिपोर्ट थी वो आ गई है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो कुछ टेस्ट करा के वहाँ लाहौर भेजें डॉक्टर को, तो डॉक्टर वो फिर देख के तो दवाई ऑर्डर करेंगे जर्मनी से, जर्मनी से इंजेक्शन आएगा एंड इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट टू। तो बस अल्लाह करे सूट कर जाए और इनका जो ट्रीटमेंट है वो सही हो जाए और जो बीमारी है वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो जाए इंशाल्लाह, आमीन। तो बस अभी हम घर आए हैं, घर आके अब कोई व्हाट टाइम इज़ इट 10:30 बजे नबीहा फ़ोन करेगी, फिर उसे लेने जाना है, उससे किससे सुनने हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ। इन द मीन वाइल हम तीनों खाना खाएंगे, नबीहा पार्टी का खाना फोड़ेगी वहाँ पर, तो हम तीनों यहाँ खाना खाएंगे। मैंने आज सब्ज़ी बनवाई है, मेरा दिल चाह रहा था तो नहीं सब्ज़ी नहीं है सॉरी सॉरी चिकन और पालक है। हिमान राहिब चिकन पालक बनाई है ना, आलू पालक, हाँ आलू पालक तो सब्ज़ी है ना, आलू पालक बनवाई है। क्या मतलब मैंने नहीं खाना? मतलब कभी खिचड़ी बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, दाल आलू गोश्त और खिचड़ी इस घर में कांस्टेंट है। आपके लिए जो चाउमीन बनाया था वो खाया आपने? वो आपने अपना वाला नहीं बनाया था। किसके वाला बनाया था? मैंने पता नहीं कौन सा वाला बनाया था, वैसा नहीं था। सुन ले इनकी बातें, चाउमीन मैंने अपने वाला नहीं बनाया था, वो सिर्फ ये था कि उसके जो स्पगेटी थी वो दो पैकेट पड़े हुए थे आधे आधे ब्राउन और वाइट, तो मैंने कहा ये क्यों ज़ाया करें, मैंने दोनों को मिक्स करके बॉयल करके उसमें बना लिया, तो इनको ये ब्राउन वाला जो था क्योंकि वो ज़रा हेल्दियर वर्जन है तो इस वजह से नहीं नहीं था, सीधी बात है। तो खा लेती बेटा, खाया तो था, कम खाया था फिर भी खैर चलें, लेकिन हमारे घर में इतना गोश्त बनता है क्योंकि यही होता है जब सब्ज़ी बनती है, और मुझे मेरा दिल चाहता है कि सब्ज़ी हो, दाल चावल हो, इस तरह की चीज़ें हो, मगर इन लोगों को चाहिए गोश्त। इवन माय हस्बैंड ही प्रेफर्स कि हर रोज़ गोश्त बने, कभी भुना गोश्त कभी कुछ। चिकन खाने को बुरा नहीं कहते लेकिन तंग आ जाते हैं, एक बंदा रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा के। भाई उनकी ताहा भाई की और मलका की दावत है परसों, तो उसमें बनेगी बिरयानी। देखें दावत के लिए सब बनता है, अनिया बजी आती है सब बनता है, एक हम ही है जो जी आप उसको? आप कितने दिन राहिब भाई को आपने बताया आज ये बनाएं ये बनाएं, आपकी और नबिया की ऑल्टरनेट हजार साल बाद बनाते हैं वो।
10,000 साल बाद झूठी। उस दिन मैंने बोला था बिरयानी बनाए, डैडी को उन्होंने बोला दे बिरयानी का सामान लाना है, डैडी कहते नहीं कोई बिरयानी नहीं बनेगी, किसने बोला बिरयानी? तो आपने डैडी को क्यों बोला? फिर डैडी को बोला, फिर मैं डैडी के पास गई तो डैडी ने, फिर डैडी के पास गई बिरयानी का बोला तो उन्होंने कहा बिरयानी खानी है, चलो सही है। ये तो रोज़ की लड़ाई है हमारी, गोश्त ज़्यादा बनता है किसी को, मुझे सब्ज़ी चाहिए, सिर्फ मुझे सब्ज़ियाँ चाहिए, दालें और सब्ज़ियाँ, बाकी सबको गोश्त चाहिए। अभी कुछ दिन से वैसे मेरा मटन कढ़ाई खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने ये सोचा है कि जब हया के जेठ की और जेठानी की दावत करेंगे तो उसमें मैं मटन कढ़ाई बनाऊँगी साथ में बिरयानी। तो वैसे भी मैं अपनी जो समधन है हया की सास, उनसे काफ़ी अरसा हो गया मिले हुए, तो बस यही था कि याया वॉज़ टू लेज़ी टू गो समवेयर, फिर वो बैठ भी नहीं सकते थे ज़्यादा देर किसी के पास, तो इसलिए उनको भी नहीं इनवाइट कर सकी। तो अब प्लान है, कल से मेरी बुलबुले की शूट शुरू हो रही है, तो इंशाल्लाह परसों हम उनकी दावत रखेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर सैटरडे या संडे को प्रॉबेबली वो लोग वापस जा रहे हैं, तो उससे पहले उनकी शादी की दावत भी नहीं हो सकी थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने हया को मैंने बता दिया है कि भाई उनको बुलाना है और घर पे ही बुलाना है, क्योंकि घर पे ज़रा पर्सनलाइज सा लगता है, अच्छा लगता है कंफर्टेबली बैठ के, और याया भी आराम से बैठ सकेंगे, होपफुली तब तक ही भी बेटर इनाफ कि वो बैठ के उनके साथ गपशप कर सकें। तो बस ये थी अपडेट आज की, अभी खाना खाएंगे और नबीहा को लेके आएंगे। सबसे पहले खाना हम इन लोगों को देते हैं, बेला अपना खाना खाओ, कम बेला आ जाओ खाना खाओ, गुड गर्ल गुड गर्ल, मैं ले लूँ। मैं आपको ये भी दिखा दूँ हमारे घर का सिस्टम क्या है खाने का। रात में जब हम सिर्फ फैमिली होते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉट के ऊपर खाना रख देते हैं। आज आपको पता चल ही गया होगा आलू पालक बने, ये मेरी चाय है ग्रीन टी, जिसमें मैं डालती हूँ सुहांजना के पत्ते, और ये मैं सोने से पहले पीती हूँ जी। तो हम अपनी प्लेटें बनाते हैं, रोटी सालन और कभी कभी अचार या दही, इस तरह से प्लेटें बना के तो हम ले जाते हैं कमरे में, क्योंकि रात में ज़रा डिनर या को बेडरूम में करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता, बट ये है क्या आई गेव अप। और मैं देखती हूँ, तो इस वजह से फिर हम कमरे में ही रात का खाना खाते हैं। तो सी यू गाइस आफ्टर डिनर। कौन था? मजीद साहब। हाँ के घर से थे, अखबार मांग रहे थे, मैंने कहा अखबार तुमने कब से बंद करा दिए, चलो आ जाओ खाना खा लो ईमान, ले सकती हो ब्रेक अभी। गॉर्डन रैम्सी आ गए यहाँ पे। ओह चुप कर जाओ, मुझे ये सुहांजना की जड़ों का अचार निकालने दो। नबील ने मुझे कहा था कि आप किसी से कहें कि पंजाब में सुहांजना की जड़ों का अचार। गाइस मम्मा छोटी बच्ची नहीं लग रही थी, क्यूट थी ऐसे बालों में। ये हमारी बेडरूम की टेबल, फिर मैं ये वाली टेबल ले आई, मुझे सदर से मिल गई थी, ताकि हमारे इंडिविजुअल टेबल्स हों, वहाँ बैठ के हम खाना खा लें और साथ में टीवी भी देख लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया, अब खाने के बाद ड्यूटी होती है बर्तन उठाने की और किचन समेटने की ईमान और नबीहा की। नबीहा तो आज है नहीं। वैसे यहां बोल के भी उसका कोई फायदा। ईमान कैसा था? थोड़ा जगह। तो इतनी बुराइयां क्यों कर रही थी? मैंने बुराइयां नहीं की थी, बुराइयां वैसे मैंने सच में नहीं की थी, मैंने बस कहा था कि हमेशा एक दो चीजें ही बनती हैं। दिस इज अ सिस्टर्स थिंग ऑलवेज। तो अब ईमान बर्तन समेटेगी और मैं नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद विल हैव सम फैमिली टाइम, फिर नबीहा को लेके आएंगे। आप खाएंगे हलवा? नहीं। गाइस कमेंट करें और बताएं मम्मा छोटी बच्ची लग रही है ना। ये जी संडे को बना था हलवा, और सूजी के हलवे की खास बात ये है कि वो ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी। हम ये हलवा खाएंगे जस्ट बाय द वे फ्राइडे चल रहा। हाँ
So what? So what? So what? क्या प्रॉब्लम है? क्या? संडे से भी अच्छा लग रहा है. संडे नहीं था वो. अरे संडे नहीं था. संडे था. ये अभी तीन दिन पहले तो अनिया और हमजा अभी गए हैं. हाँ तो तीन दिन पहले संडे ही था. आज थर्सडे है, तीन दिन पहले संडे. चार दिन कर लें. चार दिन पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे. ट्राई करो. हाँ गरम. ऐसे बच्चे बदनाम करते रहते हैं, इनकी बातों में ना आया करें. नबीहा को मैं पिक करके लाई हूँ. थोड़ा लेट हो गई थी और वहाँ पे पार्किंग का इतना मसला था, रश लगा हुआ था गाड़ियों का. तो आते ही ये दोनों मेरा वेट कर रहे थे बिकॉज़ दिन में एक वॉक तो इनको मेरी चाहिए होती है, वो तो मस्ट है. तो जी ये मेरा भी थोड़ा पीसफुल सा टाइम होता है, मुझे मज़ा आता है, क्वाइट से होता है, रश नहीं होता बाहर. तो इनको वॉक करा के घर जा रही हूँ. Bella, yes you can. Yeah, jump, jump. Good girl. Good girl. If she does, this is going to be her first jump over the fence. Bella, jump, jump. Good girl. Aajo Bella. Aajo. Poppy, come. Yes, good girl. Bella. Poppy, come. Come, 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 come. Come Bella, jump. No? Okay. तो मैं फेयरवेल से वापस आ गई हूँ और फेयरवेल मेरी अच्छी थी, मुझे बहुत मज़ा आया. अपने फ्रेंड के साथ थी मैं, अभी मम्मा को पिक्चर्स दिखा रही थी. मैं वापस आई तो मेरे डैडी ने कहा कि आप मुझे सुनाएं, तो मैंने उनके सामने परफॉर्म किया, उनके और ईमान के सामने. अब मैं बहुत थक गई हूँ और क्या. और मम्मा ने मुझे किटकैट दी थी वापसी पे, तो वो मेरा डिज़र्ट था. कितनी बार सुनाऊँ, पहले भी तो सुना चुकी हूँ.